गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में ज़्यादातर पढ़ लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे सैंधव सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। ठीक है, आज हम सैंधव सभ्यता के लोगों की लिपि के बारे में, मोहरों के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं सैंधव सभ्यता के लोगों की लिपि कैसे। तो देखो, खुदाई से हमें अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। उन मोहरों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि तो थी, ठीक है, लेकिन हम क्या है अब तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह मिलते हैं। जो मेन चिन्ह है 64 मूल चिन्ह मिलते हैं और 250 से लेके 400 अक्षर मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से लेके 400 अक्षर मिलते हैं। और ये लिपि हमें कहाँ से मिलती है? मोहरों पर अंकित है। और ये मोहरें क्या है? शेलखड़ी पत्थर से बनी हुई मोहरें हैं। शेलखड़ी पत्थर से बनी हुई मोहरों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि के बारे में जानकारी मिलती है कि इनकी लिपि कैसी थी। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अब तक हम लोग इन लोगों की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जब मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं करवाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सैंधव सभ्यता क्या थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कब प्रकाश में आई? तो इसका जो सबसे पुराना नमूना हमें मिला, नमूना मतलब जो मिला कैसी थी बना हुआ मिला, वो सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। तब हमें पता चल गया कि हाँ इन लोगों की लिपि थी। नमूने का मतलब समझते हो ना? हाँ, नमूना मिला। नमूने से भाव ये है कि पता चल गया कि हाँ लिपि है, एक आइडिया हो गया, एक मिल गया हमें एक उदाहरण। अब जो इनकी पूरी लिपि है वो 1923 में प्रकाश में आई। संपूर्ण जो लिपि है 1923 में प्रकाश में आई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो क्या थी? दाएं से बाएं ओर ये लोग लिखते थे। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं ओर चलते हैं, ये लोग दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है उस तरह ये लोग लिखते थे। और हमें चित्र भी मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। चित्रों के माध्यम से अपने भावों को ये लोग व्यक्त करते थे। जैसे हम हिंदी में, देवनागरी लिपि में हिंदी में अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो इसी तरह ये लोग चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त किया जाता था और ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे। देखो, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सैंधव सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये लोग दाएं से बाएं ओर लिखते थे, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मोहरें। देखो, खुदाई में हमें प्रचुर मात्रा में मोहरें मिली हैं और ये मोहरें कैसी हैं? अब तक खुदाई में हमें 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। अब तक खुदाई में 2000 मोहरें मिल चुकी हैं और ये मोहरें शेलखड़ी पत्थर से बनी हुई हैं। शेलखड़ी पत्थर से बनी हुई अब तक हमें 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। ये मोहरें आयताकार, वर्गाकार, आकार की हैं और जो
जोदड़ों से, अकेले मोहन जोदड़ों से 500 मोहरे मिली है। तो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी मोहरे अब तक मिल चुकी हैं? 2000 मोहरे मिल चुकी हैं, जो शेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, और ये मोहरे आयताकार वर्गाकार आकार की हैं, और इन 2000 मोहरों में से 500 मोहरे केवल मोहन जोदड़ों से मिली हैं। अब बात आती है सिंधु सभ्यता के पतन की। देखो, हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता, उत्खनन से मिली सामग्री, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सिंधु सभ्यता की लिपि, मोहरे, मृदभांड आदि के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। और अब जो है, हम लोगों ने देखो हमारे क्या कहते हैं, हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत क्या है, निश्चित है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से उसका अंत होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय चलता जाता है उसका अंत होना निश्चित है। इसी तरह हमारे यहाँ अनेक सभ्यताएं आई, उनका पतन भी हुआ। तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के उत्खनन के बारे में पढ़ा, कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सभ्यता कैसे बनी। अब हम ये पढ़ेंगे कि सभ्यता बनी तो उसका पतन भी हुआ, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखो, इस सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। देखो, जिस तरह इस सभ्यता के उद्भव की हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती कि सिंधु घाटी सभ्यता कब थी, C14 कार्बन पत्ती, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग तिथि बताई है, जिस तरह इसकी उद्भव के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती, उसी तरह इसके पतन के बारे में भी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। इतिहासकार क्या है इस बात को लेकर विवादित है। इतना माना गया है कि 2000 से ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में ये सभ्यता अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई थी, और अलग अलग इतिहासकार इस बात को लेकर अलग अलग कारण मानते हैं सभ्यता के पतन के। जैसे देखो, जो सर जॉन मार्शल है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष थे, जो जिनके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था, सर जॉन मार्शल, और इन्होंने इसके उद्भव की तिथि भी बताई थी और इसके पतन का कारण भी बताते हैं। तो सर जॉन मार्शल का ये मानना है कि बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के आने के कारण ये सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये सभ्यता का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमने खुदाई की तो मैंने आप लोगों को बताया था बालू मिट्टी की परत मिली है, जिसके आधार पर ये कहा गया कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अब दूसरे इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड, ये क्या कहते हैं, किसी बाह्य आक्रमण के कारण ये सभ्यता पतन की ओर चली गई। बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता आई थी, ठीक है, और वैदिक लोगों ने, वैदिक लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, यहाँ रहने वाले लोगों से अपने आप को अलग करने के लिए उन्होंने उन्हें अनार्य कहा और उनका युद्ध हुआ। तो बहुत सारे इतिहासकारों का, जिसमें मेन करके हम बात करते हैं गार्डन चाइल्ड की, वो क्या कहते हैं, यही आर्य आए थे सिंधु सभ्यता के बाद, आर्य सभ्यता आई, इन्हीं लोगों के पतन, इन्हीं लोगों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अब एक अन्य इतिहासकार हुए हैं A.N. घोष, ये क्या कहते हैं कि जलवायु में यदा कदा अचानक से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जलवायु में परिवर्तन हो जाने के कारण ये लोग जिस तरह की जलवायु में रहने के आदि थे, और जलवायु में परिवर्तन हो गया तो ये उस माहौल में रह नहीं पाए और इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो अलग अलग इतिहासकार इस मत को लेकर, इस बात को लेकर अपना अलग अलग मत पेश करते हैं। अतः हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते
कि सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।